okay, I'm you know, not everybody is going to like me, and I'm okay with that. And for people, I know what you're talking about. There are a lot of Muslim fans which have been giving me a lot of hate. The only thing that I, in the name of religion, so the only thing that I want to tell them is that I'm a Muslim, I know my Islam, and Islam also teaches you not to raise fingers on anybody else. So this work that I've done is between me and my God, and at the end of the day, I'm answerable to my God and not these humans. So if they don't like me, they should not watch my movie. Islam khawateen ko zaleel kyun karta hai hijab mein rakhne ke baad? Hijab ke wajah se, hijab farz kehne ke wajah se, इस्लाम खवातीन को जलील क्यों करता है? और इसका जवाब जानने के लिए हमें हिस्ट्री तहरीक पढ़नी पड़ेगी कि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के दौर में जब एक मर्द खवातीन का कत्ल करता था, उसको सजा मिलने के बदले उसके बीवी का कत्ल किया जाता था. यह उस टाइम का कानून था. एट द टाइम ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन के दौर, उनका फलसफा था, एक औरत थी जिसका नाम था पेंडोरा, जो जिम्मेदार थी सारे माशरे के बुराई के लिए. अने सारे माशरे की बुराई की जड़ थी औरत ग्रीक सिविलाइजेशन में. उसके बाद ग्रीक सिविलाइजेशन में औरत को सिर्फ इस्तेमाल किया गया था हम बिस्तरी के लिए और फेंका जाता था. रोमन सिविलाइजेशन में भी औरत की इज्जत नहीं की जाती थी, अपने हवस पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हम बिस्तरी के लिए और औरत को फेंका जाता था. इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कहा जाता था कि औरत शैतान का हथियार है. अरब मुमालिक में कुरान नाज़िल होने के पहले अक्सर जब औरत पैदा होती थी उसको जिंदा दफनाया जाता था. अल्हम्दुलिल्लाह कुरान नाज़िल होने के बाद यह गलत चीज बंद हो गई. अफसोस की बात है कि आज हमारे इस देश हिंदुस्तान में अब तक लड़की पैदा होने के बाद उसका कत्ल किया जाता है. इस्लाम सबसे पहला वाहिद मजहब है जिसने खवातीन को हुकूक दिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इंसान है जो खवातीन की इज्जत को बढ़ाया. लेकिन खवातीन को हुकूक देने के बाद, इज्जत बढ़ाने के बाद, तरीका भी दिखलाया गया किस तरीके से वो अपनी इज्जत को बरकरार रखे. इसीलिए हिजाब कहा गया. अक्सर मुकर्रीन कहते हैं इस्लाम में खवातीन का हिजाब. लेकिन अल्लाह सुबहाना व ताला कुरान मजीद में पहले जिक्र करते हैं मर्द के हिजाब के बारे में, उसके बाद औरत के हिजाब के बारे में. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कि ए मोमिनो, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं तो अपनी नजर नीचे करो और अपनी हिफाजत करो. यानी जब भी कोई मुसलमान आदमी कोई लड़की या खवातीन को देखता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसे नजर नीचे करना चाहिए. एक वक्त एक मुस्लिम लड़का एक लड़की को घूर रहा था, तो मैंने उसे कहा, भाई साहब लड़की को घूरना मना है. तो उसने कहा, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, मैंने अभी तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाना चाहते जब उनने कहा कि पहली नजर माफ है दूसरी हराम है? वो ये कहना चाहते थे कि अगर गलती से आप कोई लड़की को देखते हैं तो फिर से वो लड़की को मत घूरो. उसका मतलब ये नहीं कि मैं 10 मिनट तक बिना पलके झपकाए, बिना विदाउट ब्लिंकिंग मैं 10 मिनट तक लड़की को घूरूंगा और कहूंगा कि मेरी नजर पूरी नहीं हुई. उसके फौरन बाद अगली आयत में सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते कि कह दो मोमिना से कि वो अपनी नजर को नीचे करे और अपने सिर का पल्लू अपने छाती पे ढाके और अपने जीनत का इजान ना करे, सिर्फ वो जो आम तौर पे जाहिर होते हैं, सिवाय
अपने शोहर के, अपने वालिद के, अपने बेटे के और एक फरिश्ते महरम की, जिसके सामने वो हिजाब को रिलैक्स कर सकते हैं, जरा कम कर सकते हैं। इस्लाम में हिजाब के 6 नुक्ते हैं। सबसे पहला, मर्द के लिए एक्सटेंड है नाफ से लेके घुटने तक। खवातीन के लिए सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिख सकता है। कई उलमा कहते हैं कि चेहरा भी ढका होना चाहिए। दूसरा नुक्ता, ये पहला नुक्ता मर्द और औरत में अलादा है, बाकी 5 नुक्ते हूबहू वही है। दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट, कि कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए, इतने महीन, इतने खफीफ नहीं होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रू देख सके। नंबर 3, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि बदन का नक्शा दिखे। नंबर 4, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि दूसरी जिंस मुतासिर हो। नंबर 5, कपड़े दूसरे मजहब की निशानी नहीं होना चाहिए। नंबर 6, कपड़े दूसरे जिंस के नहीं होना चाहिए। ये 6 नुक्ते हैं हिजाब के लिए। और इसके बावजूद, इन नुक्तों के अलावा, ये कपड़े का हिजाब है, इसके अलावा हिजाब के दायरे में यह भी आता है कि किस तरीके से आप बात करते हैं, किस तरीके से आप चलते हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं। हिजाब आंखों का, हिजाब जहन का, हिजाब दिल का। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 59 में, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, कि ए नबी, कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब ओढ़ ले, ताकि वो पहचानी जाए और उनके साथ कोई छिड़कानी नहीं करे। हिजाब का अहम मकसद दिया गया कुरान मजीद में, सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में। आप हिजाब पहनो ताकि लोग आपको पहचान सके कि आप एक नेक औरत है, आप एक मॉडेस्ट औरत है और आपके साथ कोई छिड़कानी ना हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर गुजरात में या ले लो इस शहर या गांव में, इसका नाम लो के समी है, अगर दो बहनें दोनों खूबसूरत, दोनों जुड़वा बहनें हैं, हूबहू खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, अगर इस शहर में चल रहे हैं, गली में चल रहे हैं, और एक बहन पहन रही है इस्लामी लिबास, हिजाब, सारा बदन रखा हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिखा है, और दूसरी बहन पहन रही है मगरबी लिबास, शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट एंड लो नेक, गला एकदम नीचे तक, और दोनों चल रहे हैं साथ में, और गली के कोने पे एक लफंगा ठहरा है लड़की को छेड़ने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कौन से लड़की को छेड़ेगा, वो जो इस्लामिक हिजाब पहनी है कि वो जो मगरबी लिबास शॉर्ट्स और मिनी स्कर्ट पहनी है? कौन सी लड़की को छेड़ेगा, कौन सी लड़की को छेड़ेगा? मिनी स्कर्ट, माशाल्लाह, ये आम सवाल है, आम जवाब है, इसके लिए कोई इनाम की जरूरत नहीं। कोई भी इंसान बोलेगा कि वो लड़की जो मिनी स्कर्ट पहनी है, शॉर्ट्स पहनी है, नेक नीचे है, उसे छेड़ेगा। इसीलिए कुरान मजीद में कहा गया है कि हिजाब पहनो तो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको पहचान सके और आपके आपसे कोई छिड़कानी ना कर सके। और इसके बाद इस्लाम में कहा गया है कि अगर कोई इंसान, अगर कोई मर्द औरत का बलात्कार करता है, जना बिल जबर करता है, रेप करता है, उसके लिए सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत, इतना सख्त पनिशमेंट, इतना सख्त पनिशमेंट। इस्लाम कठोर मजहब है, बेरहम मजहब है। जब मैं पूछता हूं गैर मुसलमानों से, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, आपकी मां का कोई बलात्कार करता है,
जिना बिल जब्त करता है, और अगर बलात्कार करने वाले मर्द को आपके सामने ले आया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, हाकिम बनाया जाता है, काजी बनाया जाता है, और पूछा जाएगा आप इसको क्या सजा देंगे, तो 100% गैर मुसलमानों ने मुझे कहा मैं इसे मौत के घाट उतारूंगा। कुछ मुसलमानों ने कहा मैं तो इसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो आपके मां के साथ कोई बलात्कार करता है तो आपको उसे सजा है मौत देने का है, दूसरी मां के साथ बलात्कार कहता है आप कहते हैं सजा है मौत, कठोर कठोर सजा है, क्यों? कई साल पहले एल के अडवाणी जब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इल्तिजा की थी पार्लियामेंट में कि बलात्कार करने वाले को, जिना बिल जब्र करने वालों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं एल के अडवाणी के बात से सहमत हूं, और माशाल्लाह मैं उसके जो आइडिया है, उसका जो सजेशन है, उसको मानता हूं। बाकी बात सही है क्या गलत है वो डिस्कस अभी नहीं करूंगा। जो बात सही है हम मुसलमान को छाती ठोक के कहना चाहिए सही बात है, जो गलत है गलत है। ये बात एल के अडवाणी की जब वो होम मिनिस्टर था, मैं बिल्कुल सहमत हूं और उसको तस्लीम करता हूं। हो सकता है कि अगला होम मिनिस्टर यह कहे के मुताबिक सन 1990 में हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार होते थे, सन 1996 में क्राइम ब्यूरो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक हर रोज यूएसए में 2713 रेप बलात्कार जिना बिल जब्र होते थे, 2006 के मुताबिक यूएसए में हर रोज तकरीबन 4000 रेप बलात्कार जिना बिल जब्र होते हैं। सन 1990 में 1990 में 1756, 1996 में 2713, 2006 में 4000, में भी अमेरिकन लोग और बोल्ड और मर्दानगी बन रहे, बढ़ते जा रहे तादाद। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यूएसए में इस्लामी शरीयत नाफिज की जाएंगी कि हर आदमी अगर औरत को देखता है उसे नजर नीचे करना चाहिए, और हर औरत इस्लामी लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिखना चाहिए, उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है, जिना बिल जब्त करता है, रेप करता है, सजा है मौत, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ये रेप की तादाद, जिना बिल जब्त की तादाद, बलात्कार की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी वही के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप शरीयत नाफिज करो किधर भी दुनिया में, फौरन आपको रिजल्ट मिलता है। इसीलिए सारी दुनिया में वो मुल्क जिसमें सबसे कम रेप बलात्कार जिना बिल जब्र है वो है सऊदी।